तो इस आईपीएल के बाद हो सकता है कि आप सुने कि यशस्वी जायसवाल इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गए। डू यू थिंक इट्स टाइम फॉर इंडियन टीम टू मूव ऑन फ्रॉम विराट एंड रोहित? इस सीजन की बात करें, जो एक खिलाड़ी जिन्होंने अभी तक अपनी छाप बहुत ज्यादा छोड़ दी है, यशस्वी जायसवाल, दिस यंगस्टर, पहला सीजन उनके लिए अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद क्या कॉन्फिडेंस दिख रहा है और उन्होंने जो 13 गेंदों में अपनी 50 मारी है, क्या आपको लगता है युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी अब खतरे में है 12 गेंदों में 50 का? वो रिकॉर्ड तो हमेशा बनते ही है टूटने के लिए, तो आगे जाके शायद हमको देखने भी मिले कि टूट जाएगा, बट फेनोमेनल परफॉर्मेंस। इतना यंग लड़का जो अपने दूसरे तीसरे सीजन में है, जैसे आपने कहा पहला सीजन इतना अच्छा नहीं गया था, दैट कैन हैपन। एक यंग लड़का आता है, एक फ्रेंचाइज उस पर फेथ दिखाती है, देन उसको रिटेन करती है। मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स को बहुत क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने उस पर फेथ दिखाया और उसके साथ बने रहे, चॉप एंड चेंज नहीं किया, और आपको रिजल्ट अब दिखाई दे रहे कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट शतक लगाया, जहाँ पर जोफ्रा आर्चर, पीयूष चावला जैसे एक्सपीरियंस बॉलर थे, ये जो पिछला मैच गया है पहले ही ओवर में 26 रन बनाना, 13 गेंदों में अर्धशतक बनाना, एक मामूली कारनामा नहीं। इतने बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं जो इसके आसपास नहीं पहुंचे, और एक 21 साल का लड़का 13 गेंद में अर्धशतक लगाता है, आई थिंक फिनोमिनल परफॉर्मेंस। और खास करके आप पहला ओवर आप ये सोच के डालते हो कि शायद बैट्समैन थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा सेट होने को देखेगा, एंड देन ही टुक 26 रन इन दैट ओवर, सो दैट शोज कि ही इज रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज, इज रेडी टू इम्पोज हिमसेल्फ ऑन द बॉलर। और जनरली लेफ्ट हैंडर्स के सामने हम देखते हैं ये टैक्टिक यूज होती है कि एक ऑफ स्पिनर को लगाते हैं क्योंकि दे फाइंड इट डिफिकल्ट, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। एक स्कोर बिलो पार स्कोर जरूर था, लेकिन हम जानते हैं कि राजस्थान की अगर एक दो विकेट गिर जाती है तो दे कैन बी अंडर प्रेशर, बट वो एग्जूबरेंस ऑफ यूथ दिखाई दिया कि बिल्कुल ही फियरलेस बैटिंग। और पहले ही ओवर में मुझे लगता है कि उन्होंने केकेआर को बैकफुट पर डाल दिया वो 26 रन बना के, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। और मुझे लगता है कि अगेन ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडियन टीम का दरवाजा खटखटा नहीं रहे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट तोड़ने वाले हैं। तो इस आईपीएल के बाद हो सकता है कि आप सुने कि यशस्वी जायसवाल इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गए। ऐसी परफॉर्मेंस इग्नोर नहीं हो सकती, एंड आई थिंक ही इज रेडी टू वेयर इंडिया कलर्स, बट व्हेन यू सी यंगस्टर्स लाइक देम परफॉर्मिंग, समबडी लाइक यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन इतना अच्छा कर रहे हैं, डू यू थिंक इट्स टाइम फॉर इंडियन टीम टू मूव ऑन फ्रॉम विराट एंड रोहित ऑफ द वर्ल्ड? ये तो ऑब्वियसली डिबेटेबल बात है, यू कांट इग्नोर द सर्विसेज दैट दे हैव गिवन। ऐसे इतना आसान नहीं है कि आप जस्ट कोई लड़का आता है और आप बोल दो कि इसको हटाओ और इसको ले लो, बट आई थिंक डेफिनेटली इंडिया नीड टू प्ले दैट ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंटरनेशनली। आईपीएल में तो हम देख रहे हैं कि इतने सारे 200 प्लस रन्स बने हैं, और बैटिंग इस प्रकार की हो रही है, इतने एग्रेसिव बैटिंग हो रही है, दैट वी नीड टू टेक ऑन टू दैट इंटरनेशनल लेवल। तो डेफिनेटली ये यंगस्टर्स मुझे लगता है कि सीनियर्स पे डेफिनेटली प्रेशर डालेंगे, बट यू कांट से कि इनको हटा दो और इनको आसानी से ला जो, क्योंकि इट्स नॉट एन सो स्मॉल शूज टू फिल, दे आर बिग नेम्स एंड दे हैव रेंडर्ड सर्विस फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि दीज यंगस्टर्स आर कमिंग। जितेश शर्मा इज कमिंग, यशस्वी जायसवाल हैज नाउ कम इन, एंड दिस इज अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट कि इंडिया को भी वो ब्रांड का क्रिकेट आगे जाके खेलना होगा जिस ब्रांड की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रही है फॉर एग्जाम्पल, एंड दे आर द वर्ल्ड चैम्पियंस। तो आई थिंक इंडिया नीड टू फियरलेसली प्ले दैट टेम्पलेट ऑफ क्रिकेट इंटरनेशनली। यहाँ से आगे आईपीएल के बाद जब हम खेलेंगे, हमको उस तरह की क्रिकेट खेलनी होगी।